सो फाइनली दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक और गुड न्यूज निकल के आ चुकी है गाइस। ईवो वॉलेट रिटर्न आने वाला है विथ कोबरा MP40। अरे हो क्या रहा है यार, हो गया भाई, मानो तो आ ही गया। क्योंकि यार आज की वीडियो में आपको वही बताऊंगा। एंड यार कोबरा MP40 आएगी और कोबरा बंडल नहीं आएगा क्या यार? कोबरा बंडल के बारे में भी बताऊंगा आज। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड भाई लोग, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा किसके बारे में। गेस करो। अरे बता रहा हूँ ना, बनी बंडल के बारे में, जो कि रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई लोग, मजा तो बहुत आएगा क्योंकि यार इतने सारे अपडेट्स तो देने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो गाइज आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं मजा आएगा। तो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं गाइस आने वाले एंजल पैंट इवेंट के बारे में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। भाई आपने तो पहले ही बताया था, बट अभी तक वो इवेंट आया ही नहीं। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी और कैडी न्यूज निकल के आ रही है कि भाई इसके साथ साथ आप लोगों को ब्लैक जर्सी इवेंट भी देखने को मिलने वाला है। तो भाई बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि भैया कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सा इवेंट आएगा। तो भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, लीक्स निकल के आ रही है भाई लोग कि यहाँ पे आप लोगों को ये इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकता है भाई लोग। तो मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा सा रिव्यू दिखा देना चाहूंगा, जिसमें आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो, पैंट देखने को मिल रहा है गाइस, हेड का पार्ट यानी कि टोपी वगैरह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग जूते वगैरह भी देख सकते हो, जो कि एंजल से रिप्रेजेंट की जाने वाली है। और भाई रेड एंजलिक पैंट भी आप लोगों को इसी के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों को ब्लू एंजलिक पैंट देखने को मिलेगा, हुडीज आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं गाइस यहाँ पे एंजलिक के। और भाई यहाँ पे आप लोगों को एक टी शर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि है व्हाइट टी शर्ट। उसके साथ साथ आप लोगों को एक ब्लैक टी शर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो यार ये वाला इवेंट भी यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है गाइस कि ये भी आने वाला है, मतलब 80% रखो गाइस कि आने वाला है। जैसे ही अपडेट आ जाएगा 4 सितंबर को, ये इवेंट आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा हमारे इन गेम के अंदर, ठीक है। लेकिन गाइस बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भैया आपने जो इवेंट दिखाया था ये वो वाला इवेंट नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ भाई लोग, हम लोगों ने आप लोगों को एक पहले इवेंट दिखाया था जिसमें क्या था गाइस, तो वो वाला इवेंट भी मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, जिसमें गाइस ओनली यहाँ पे 4 एंजेलिक पैंट्स थे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, यानी कि ब्लैक जर्सी एंड व्हाइट जर्सी का नामो निशान यहाँ पे नहीं था। तो भाई ये वाला इवेंट आएगा या फिर वो वाला इवेंट आएगा जिसमें गाइस जर्सी वगैरह भी दिखाई जा रही है, तो आप लोगों को कौन सा इवेंट पसंद है भाई लोग? देखो मेरे को तो अगर सच्ची बताऊं तो गाइस वो वाला इवेंट ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि उसमें गाइस बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐड कर दी गई हैं। ब्लैक जर्सी भी निकल सकता है गाइस, एंजेलिक पैंट भी आप लोगों को निकल सकता है। लेकिन यार इस वाले इवेंट में ना भाई आपको दो चीजों में एक ही चीज मिलेगा, यानी एंजेलिक पैंट ही आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पिन करने के बदले में मिलने वाला है, वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो कि ब्लैक जर्सी है। तो भाई होता है यार ऐसी चीजें। फिर भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस वो भी 46 अपडेट के बाद आने वाले न्यू ग्लोबॉल की स्किन के बारे में, जिसमें आप लोगों को स्पेशल सा एक एनिमेशन देखने को मिल सकता है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को मैं वो ग्लोबॉल की स्किन दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस एनिमेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ इसमें आप लोग बोलो तो गाइस यहाँ पे एट्रीब्यूट भी रखा गया है गाइस, यहाँ पे कवर रेंज को, कवर हाइट को और क्लाइंबिलिटी को बढ़ाया गया है। भाई इसके रिलेटेड मेरे को ना थोड़ा सा कम नॉलेज है, क्योंकि गाइस अभी तक ये अपडेट जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कि ग्लोबॉल में भी अब एबिलिटीज देखने को मिलने वाले हैं, जो कि गाइस काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो भाई इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोबरा बंडल रिटर्न के बारे में। एंड यार इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना भाई, कोबरा बंडल गाइस मैं जब भी वीडियो डालता हूं ना ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो गाइस इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोबरा बंडल अकेले नहीं आएगा भाई, बहुत सारे इवेंट्स के साथ साथ बहुत सारे आइटम को लेके आने वाला है, ठीक है। और गाइस इसकी डेट भी निकल के आ चुकी है, यहाँ पे 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर के
अंदर देखने को मिल सकता है गाइज कोबरा बंडल रिटर्न में। अभी बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि भैया कोबरा बंडल सच में क्या रिटर्न आने वाला है, क्या इसके इमोट भी रिटर्न में आएंगे? तो भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसके रिलेटेड ना इमोट पार्टी इवेंट भी निकल के आ चुका है भाई लोग। तो इमोट पार्टी कब तक रिटर्न आने वाला है बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं, क्योंकि यार इमोट पार्टी इवेंट भी काफी बढ़िया इवेंट है यार गाइज। इसके लिए तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज इसमें आप लोगों को लगभग 1 वीक देखने को मिल सकता है। 1 वीक के अंदर अंदर आप लोगों को ये इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड यार जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया फीस्ट की स्किन भी यहाँ पे निकल के आ चुकी है और बहुत जल्द आने वाली है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा गाइज न्यू फीस्ट की स्किन्स, और गाइज यहाँ पे ये फीस्ट की स्किन रिटर्न आने वाली है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो मोको स्टोर के अंदर। भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई लोग, आप लोग देख ही सकते हो गाइज। मेरे को तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। 27 अगस्त को यहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर के लिए ये कंफर्म हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो गाइज। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये सारी चीजें कैसी लग रही है। लिटरली गाइज 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को ये कंफर्म आने वाला है, तो भाई टेंशन की कोई जरूरत वैसे है नहीं। 27 तारीख मैंने जैसा कि डेट भी आप लोगों को दे दिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं गाइज लकी व्हील इवेंट के बारे में, क्योंकि लकी व्हील इवेंट के लिए ना बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि भैया क्या हमारा लकी व्हील इवेंट आने वाला है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे ही 4 सितंबर को यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा गाइज आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को यह लकी व्हील इवेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि 5 या फिर 6 तारीख को यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर में कि गाइज यहाँ पे हम लोगों को और भी नए आइटम्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो गाइज, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये पैंट आप लोग देख सकते हो, साथ साथ पूरा का पूरा बंडल भी आप लोग देख सकते हो यार, ठीक ठाक से बंडल है यार, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। बाकी बूया पास वगैरह इसमें आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो भाई इसीलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधी बात बता रहा हूँ गाइज, ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप लोगों को और भी चीजें देखने को मिल रही है गाइज, जैसे कि यहाँ पे गन स्किन के बॉक्सेस के टोकन, साथ साथ कुछ इमोट्स एंड कोबरा इमोट वगैरह भी आप लोगों के सामने ही दिखा दिया मैंने। तो भाई ये चीजें आ सकती हैं, इसके थोड़े से चांसेस हैं। बट यार अगर आप लोग ये उम्मीद रखते हो कि गाइज हम लोगों को बूया पास में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे को बहुत बड़ा मतलब कि बंडल वगैरह ऐड किया जाएगा और भाई उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बनी बंडल वगैरह इसमें नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज यार मैं झूठी उम्मीद आप लोगों को क्यों ही दूं, ठीक है। तो भाई इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं आने वाले बनी बंडल के रिटर्न्स के बारे में। एंड यार बनी बंडल से रिलेटेड मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे आने वाले न्यू वेपन रॉयल के बारे में। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया न्यू जो वेपन रॉयल होने वाला है या फिर नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा होने वाला है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यार M60 की स्किन, जिसमें आप लोगों को डबल एक्यूरेसी प्लस रिलोड स्पीड और माइनस किया जाएगा इसके रेंज को, ये आप लोगों को देखने को मिलने वाला है भाई लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज, और यहाँ पे गोल्ड में स्पिन करना पड़ता है, तो भाई आप लोगों को सस्ते में निकल जाता है यार, और जिसके पास जितने ज्यादा गोल्ड होंगे पड़े हुए तो भैया वो आप लोगों को इसको निकाल ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी यहाँ पे डायमंड वगैरह जब आता है भाई और डायमंड से स्पिन करना पड़ता है ना, तब आप लोगों की परेशानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग 80 से 90% कंफर्म ही रखो गाइस कि सारे सर्वर पे यही आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। बाकी आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोग क्या चाहते हो गाइस, M60 की जगह कोई और गन स्किन आए या फिर M60 अच्छी है, ठीक है। चलो भाई इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस आने वाले यहाँ पे स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न के बारे में। तो यार पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि भैया स्कॉर्पियो बंडल भी क्या हम लोगों को रिटर्न में देखने को मिल सकता है। तो भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, स्कॉर्पियो बंडल भी आप लोगों को रिटर्न में बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। यानी कि OB46 का जो अपडेट होगा गाइस, उसमें आप लोगों को भर भर की चीजें रिटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और भाई ये आप लोगों को 8 से 9 सितंबर को रिटर्न में आपको देखने को मिलने वाला है। यार देख सकते हो इस बंडल को भाई, मेरे को तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोग कोबरा बंडल को ज्यादा पसंद करते हो या फिर स्कॉर्पियो बंडल को। बाकी दोनों बंडल में कोई भी कम या फिर ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, भाई मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं कि गाइस दोनों के दोनों बंडल वन ऑफ द बेस्ट बंडल्स है गाइस फ्री फायर के अंदर, और भाई मुझे दोनों बंडल बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइस कि आप लोगों का फेवरेट बंडल कौन सा है, यानी कि इन दोनों बंडल्स में से आप लोगों को कौन सा बंडल सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर आप
आप कौन सा बंडल को ज्यादा पसंद करते हो, जो भी है गाइज आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलो भाई इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आने वाले ऐसे ही एक न्यू फ्रिज की स्किन के बारे में, तो जिसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ नए इमोट्स यहाँ पे ऐड किए जाने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो गाइस क्या बात है, ये माइकल जैक्सन मून वॉक, जो भी बोलो यार मून वॉक बोलो या फिर माइकल जैक्सन वाला मून वॉक, सॉरी यार मून वॉक, ठीक है। तो भाई मून वॉक वाला इमोट यहाँ पे ऐड किया जाएगा लकी रॉयल के अंदर, स्पेशल लक रॉयल आप लोग बोल सकते हो उसके रिलेटेड, काफी ज्यादा खतरनाक। और भाई साहब दूसरा इमोट आप लोग देख सकते हो, ये भाई साहब दोनों के दोनों इमोट्स काफी ज्यादा बढ़िया है यार। यार ये मून वॉक वाला तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट इमोट बन जाएगा, क्योंकि गाइस में जो चाल ढाल और भाई यू नो आई एम गुड, ये वाला इमोट भी काफी ज्यादा बढ़िया है यार। दोनों के दोनों इमोट्स काफी ज्यादा ऑसम है, दोनों मुझे पसंद है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस कि आप लोगों को कौन सा इमोट सबसे ज्यादा पसंद आया है। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिटिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ भी डाउट्स या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ भी क्यूरीज रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड यार बहुत सारे लोग फर्स्ट व्यू आके लिखते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, दिल से उन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि जो भी लोग फर्स्ट व्यू आके कमेंट करते हैं गाइस बहुत अच्छा लगता है। तो भाई नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। लव गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।